अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आवर टुडे लेक्चर इज़ रिलेटेड टू आर्क लेंथ एंड सम रिलेटेड डेफिनेशंस। आर्क लेंथ सबसे पहले क्या होती है? आर्क लेंथ की अगर आप डेफिनेशन देखें तो इसको डिफ़ाइन करना बहुत ही आसान है। सिंपल वर्डिंग में अगर आप कहें तो हमारे पास कोई भी अगर आर्क है, आर्क या फिर इसको कर्व कहते हैं, कोई भी हमारे पास कर्व है या फिर आर्क है तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास जो भी कर्व गिवन है, जिस पैरामीटर में गिवन है, अगर वो यू में गिवन है तो उस कर्व को हम सब डिवाइड कर लेंगे, उसको जो है वो यू आईज में उसको डिवाइड कर लेंगे। अब ये कर्व किस में है? यू में है। अगर तो ये टी में होती तो हम इसको टी आईज में डिवाइड कर लेते, अगर ये थीटा में होती या फिर इसको आर कह लें तो इसको हम आर आईज में डिवाइड कर लेते, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये ज़ीरो टू यू वन आ जाएगा, यू टू यू वन। फर्स्ट सपोज अगर आपके पास यही कर्व है तो इसको आपने सब डिवाइड करना है इन पॉइंट्स में। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम डायरेक्ट हमें नहीं पता कि इसकी लेंथ क्या होगी, लेकिन अगर आप देखें तो आप इसकी लेंथ बता सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सपोज अगर आपके पास इस फॉर्म का कोई भी कर्व है तो एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा आप यहाँ पे सब डिवाइड उसको कर लेते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब देखें, इस दोनों को आप साथ में अटैच कर देंगे, इन दोनों को आपस में अटैच कर देंगे, इन दोनों को आपस में अटैच और इन पॉइंट्स को आपस में अटैच कर देंगे। जब आप इनको अटैच कर देंगे तो इन सेक्शंस की जो है, ये जो लाइंस आपके पास आई हैं इनकी तो आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जो बड़ी लेंथ होगी उसमें से आप छोटी लेंथ को माइनस कर देंगे, आपके पास ये वाली लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो इन सब की जब आपके पास लेंथ आ जाएगी तो एट द एंड हम उन सब को जो है वो सम अप कर देंगे और उसका सुप्रीमम ले लेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो इस लेंथ में जो है हमारे पास ये वाला पोर्शन स्किप हो रहा है। ठीक है, तो बेसिक आइडिया ही देना था। ऑलरेडी भी आप आर्क लेंथ से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स वगैरह पढ़ चुके हुए हैं, उन्हीं को रिवाइज़ करें। मेरे ख्याल में इतना बहुत है आर्क लेंथ से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम टेंजेंट वगैरह को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी, तो टेंजेंट क्या होता है हमारे पास? टेंजेंट की अगर आप डेफिनेशन देखें तो छोटी क्लासेस से लेके अब तक आप पढ़ते रहे हैं कि ऐसी लाइन जो कि किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है, उसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच ना करे, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ये टेंजेंट लाइन है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पी पे। ठीक है, इस पॉइंट पी पे ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है। तो इसको अगर आप डिटेल में देखें, लेट आर बी अ पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट पी। अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट पी है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये आर एक पोजिशन वैक्टर आ जाएगा ऑन द कर्व। इस कर्व पे, ये हमारे पास एक कर्व है, इस पे जो है ये पोजिशन वैक्टर है। अब अगर आप इसमें स्मॉल चेंज देखें तो ये हमारे पास आर प्लस डेल्टा आर होगा। इट मीन्स अगर आप इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो ये वाला जो डिफरेंस है इसको हमने डेल्टा आर का नाम दिया है, ये वाला जो डिफरेंस है ये डेफिनेटली डेल्टा एस होगा। ठीक है, और ये जो टेंजेंट लाइन जो है ये एक्स एक्सिस से जहाँ पे मिलती है ये यहाँ पे क्या एंगल बनाती है? थीटा। अगर आप दरमियान में कोई भी पॉइंट लें और उस पर जो है वो कैपिटल आर वेक्टर बनाएं तो फिर हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। टेंजेंट जो है वो बेसिकली इसको हम डिफाइन करते हैं डी आर बाय डी एस। क्योंकि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो टेंजेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? कर्व पे डिपेंड कर रहा है ना। फॉर सपोज अगर आपके पास कर्व ऐसी है, यहाँ पे पॉइंट है तो टेंजेंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है तो टेंजेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे आर्क चेंज हो रही है, एस आर्क चेंज हो रही है, आर्क चेंज होगी तो डेफिनेटली आर्क लेंथ भी चेंज होगी, वैसे वैसे हमारे पास टेंजेंट चेंज हो रहा है। तो इसको हम टेंजेंट को लिख सकते हैं कि ये डी आर बाय डी एस है, रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस।
अब जब भी हमारे पास डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि चेंज को जो है वो हम डेरिवेटिव के थ्रू डिस्कस करते हैं, जब भी हमारे पास डेरिवेटिव होता है इसको हम आर डैश से डिनोट करते हैं। आर डैश जो है ये हमारे पास डेरिवेटिव के लिए होता है। अगर हम यहाँ पे एस की बजाय कोई टी लिख लेते, थीटा लिख लेते या फिर कुछ और लिख लेते तो इसको हम डॉट से डिनोट करते, थीटा डॉट से। अगर विद रिस्पेक्ट टू एस है तो वहाँ पे हमने हमेशा प्राइम ही यूज़ करना है, ऑनवर्ड भी और अभी भी हम प्राइम ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन बातों का आपने, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। डेल्टा आर जो है ये यहाँ पे जो है ये स्मॉल चेंज है, एस हमारे पास पैरामीटर है। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ लिमिट लिखें तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी लिमिट डेल्टा एस, क्योंकि डेरिवेटिव को जो है अगर हमने स्मॉल चेंज में लिखना है तो डेल्टा एस अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पे जो है ये डेल्टा आर आ जाएगा और ये जो है ये हमारे पास डेल्टा एस हो जाएगा। जहाँ पे कैपिटल आर जो है इज़ एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट, जो हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया था ना, ये जो था ये कैपिटल आर जो है ये कोई भी पॉइंट है, किस पे, टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है। पी जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है। तो ये टेंजेंट की डेफिनेशन है कि जैसे जैसे हमारे पास आर्क चेंज होती है वैसे वैसे हमारे पास क्या होता है, वैसे वैसे हमारे पास जैसे जैसे पोजीशन वेक्टर चेंज होता है आर्क के विद रिस्पेक्ट टू, वैसे वैसे टेंजेंट चेंज होता है। तो टेंजेंट को हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा एस, या फिर इसको डी आर बाय डी एस दैट इज़ इक्वल टू आर डैश लिख सकते हैं। अब देखें जैसे जैसे हमारे पास, अभी हमने टेंजेंट को डिस्कस किया है कि जैसे जैसे हमारे पास आर्क चेंज होगी वैसे वैसे टेंजेंट भी तो चेंज होगा ना, ये कॉमन सेंस है कि अगर हमारे पास आर चेंज हो रहा है, अगर हमारे पास आर्क, सॉरी आर्क अगर चेंज हो रही है, अगर वो इस फॉर्म में है तो टेंजेंट इधर आ जाएगा, अगर वो कुछ इस फॉर्म में है तो टेंजेंट इधर आ जाएगा, तो डेफिनेटली हमारे पास टेंजेंट भी चेंज होगा। नेक्स्ट देखें ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होती है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये किस चीज़ की तरफ हमें लेके जाता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स की तरफ हमें लेके जाता है। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, अब देखें अगर हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, हम कहते हैं कि आफ्टर सर्टन कंडीशंस या फिर सरकमस्टांसेस के बाद वो आपस में मिल जाते हैं, यूँ समझे वो बिल्कुल करीब आ जाते हैं, इधर इधर बिल्कुल करीब, ये भी ज़रा दूर है, बिल्कुल करीब आ जाते हैं, तो उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं उस पॉइंट को। और इसकी डेफिनेशन जो है हम क्यों देख रहे हैं, ये मैंने ब्रीफली आपको बताया है क्योंकि ऑस्कुलेटिंग प्लेन में इसका रोल है, यहाँ पे ऑस्कुलेटिंग प्लेन में ये यूज़ होती है। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन हमारे पास क्या होगी, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की अगर आप बात करें तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन द प्लेन कंटेनिंग टेंजेंट एट अ पॉइंट, सबसे पहले ऐसे प्लेन, फॉर सपोज अगर आप इसको प्लेन लेते हैं क्योंकि ये प्लेन ही है, टू डायमेंशनल है, उसमें टेंजेंट हो इस पॉइंट पे एंड अ कंजेक्टिव पॉइंट इज कॉल्ड एन ऑस्कुलेटिंग प्लेन। देखें टेंजेंट, आपको पता है कि टेंजेंट हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, लेकिन ऑस्कुलेटिंग प्लेन में जो है वो कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अगर टेंजेंट जो है इस पॉइंट के साथ साथ इसके बिल्कुल करीब एक और पॉइंट के साथ भी टच करे तो फिर हम उसको कंजेक्टिव पॉइंट हो बिल्कुल, तो उसको फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्लेन क्या है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन की हम फर्दर डेफिनेशन भी देखेंगे इन डिटेल जो है वो नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे तो हम इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर सपोज ये हमारे पास यहाँ पे इसकी जिस तरह भी हमने डिस्कस किया वही डिस्कस किया गया है, नेक्स्ट फाइव प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज़, ये हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, टेंजेंट लाइन हमने इस पॉइंट पे ड्रा किया और ये इस पॉइंट के साथ बिल्कुल कंजेक्टिव एक और पॉइंट पे भी कर्व को टच कर रहा है।
नेक्स्ट देखें, अगर हम कर्वेचर की बात करते हैं तो कर्वेचर क्या होता है? बेसिकली हमारे पास बेंडिंग होती है किसी भी कर्व की, ठीक है, बेंडिंग होती है ना किसी भी कर्व की, तो ये हमारे पास कर्वेचर होता है। ये नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट सेरेट फ्रेनेट फार्मूलाज आएंगे उनमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे एक और चीज़ जो नोटिफाई की गई है वो ये है कि अगर कोई भी लाइन है दरमियान में, हम यहाँ पे कोई भी लाइन कट करें तो ये वाला एंगल टोटल कितना होगा? 180 डिग्री का होगा, ये आपको पता है। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा होगा। ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट पोर्शन में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है। प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है? द लाइन्स इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट पी। ये हम किसकी डेफिनेशन कर रहे हैं? प्रिंसिपल नॉर्मल की। द लाइन्स इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाइन्स किसी भी पॉइंट पे,